नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं GBN 24। देश भर में आज 25 जून 1975 को लगाई गई इमरजेंसी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसे काला दिवस के रूप में मनाया। इसी कड़ी में आज सिरसा में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने काला दिवस मनाया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचे और उनसे मुलाकात कर इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाया। डॉक्टर कमल गुप्ता ने आज के दिन को देश का दुर्भाग्य बताते हुए इसे न्यायपालिका, संविधान और देश के लिए अपमान बताया। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर कमल गुप्ता ने बताया कि 25 जून 1975 को लगाई गई इमरजेंसी देश की आजादी के बाद का ये काला दिवस था और ये इतने गहरे रंग का था कि इस पर और कोई धब्बा लगे तो नजर न आए। उन्होंने बताया कि उस दिन संविधान का अपमान हुआ, न्यायपालिका का अपमान हुआ और देश का भी अपमान हुआ। उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी जब चुनाव हार गई तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। इस इमरजेंसी के दौरान अनेकों लोगों के साथ अत्याचार हुए। उन्होंने बताया कि उस वक्त उन लोगों पर जितने अत्याचार हुए वो अत्याचार अंग्रेजों ने भी नहीं किए। इसी को लेकर आज उस दिन को याद करते हुए काला दिवस के रूप में मनाया गया। सर, पूरे हरियाणा भर में, पूरे देश भर में काला दिवस मनाया गया। हाँ, देखिए, इसमें बड़े ये दुर्भाग्य की बात है कि देश की आज़ादी के बाद और हरियाणा जैसे लोकतंत्र देश में 25 जून 1975 को इस देश का जो दिवस था वो इतना काला था, इतने गहरे रंग का था कि उस पर और कोई धब्बा लगे तो वो नजर नहीं आता। उस दिन संविधान का अपमान हुआ, न्यायपालिका का अपमान हुआ, देश का अपमान हुआ। और जब देश 1947 में भी आज़ाद हुआ तो भी इन हुक्मरानों ने, जिन्होंने ये आज़ादी की जो लोकतंत्र की हत्या करके 25 जून को इमरजेंसी लगाई, श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी और वो उसको मैनेज नहीं कर पाई, इसलिए उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। और इमरजेंसी में हमारे इतने लोग जो संघ के थे उन पे इतने अत्याचार हुए कि इतने आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने भी इतने अत्याचार नहीं किए थे। तो आज उस दिन को हमने मनाया है और उसमें जो जो लोग जिनका समर्पण हुआ, जो लोगों को, जो लोग जेलों में गए उनको हमने सम्मान दिया है, उनको याद के रूप में आज का दिन मनाया है। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें GBN 24।